आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू गोंड क्लासिक 350। अभी तक ना आरी के पास कोई भी बॉबर स्टाइलिंग वाली बाइक नहीं थी, यानी कि आपको ना जावा 42 बॉबर का ही ऑप्शन मिलता था, जो कि आपको 2.5 लाख के बजट में मिल जाती थी। बट गोंड क्लासिक 350 आने के बाद आरी ने उसका भी रोल ख़त्म कर दिया है। तो आज हमारे पास है दी ऑल न्यू गोंड क्लासिक 350, जिसका करने वाला हूँ मैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड ओवरव्यू, जिसमें इस बाइक के प्राइस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, कौन कौन से कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं, A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँ ना मैं लुक्स की, तो लुक्स के मामले में ना बाइक काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लुक के साथ अवेलेबल हो जाती है, और हैंडल बार देख रहे हो ना काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज हैंडल बार यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिससे इस बाइक का जो राइडिंग एक्सटेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कलर ऑप्शन की ना, तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 4 कलर ऑप्शन, जिसमें आपको सिंगल टोन और ड्यूल टोन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का जो स्टार्टिंग वेरियंट है यानी कि सिंगल टोन वाला जो वेरियंट है वो स्टार्ट हो जाता है 2.35 लाख एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ। इससे ऊपर वाला यानी कि डुअल टोन वाला जो कलर ऑप्शंस हैं वो मिलने वाले हैं आपको 2.38 लाख एक्स शोरूम। सो बॉबर के कंपेयर में ना थोड़ा सा प्राइस कॉस्टली हो जाता है। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक आपको 2,70,000 से 2,75,000 के ऑन रोड प्राइसिंग के साथ अवेलेबल होने वाली है। बट लुक को अगर आप देखोगे ना तो लुक के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है बॉबर के कंपेयर में। बॉबर को डेफिनेटली ये बाइक जो है पूरी तरह से कॉम्पीट करने वाली है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है मैकेनिकली वाइज। सो फ्रंट के लुक से अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे क्लासिक से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं, क्लासिक जैसा लुक आपको फ्रंट साइड में पूरा मिलने वाला है हैंडल बार को छोड़ के। तो फ्रंट से बात कर लेते हैं पहले, तो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है फुल LED लाइट। बट क्लासिक में ना अभी भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर आपको हैलोजन लाइट मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको फुल जो LED सेटअप है वो मिलने वाला है, जो आपको मिट्योर 650 में मिला वैसा ही यहाँ पर आपको जो सेटअप है वो मिलेगा। इस साइड में क्रोम फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, थोड़ी सी आपको यहाँ पे ना एक्सटेंशन मिलने वाली है क्रोम की, बाकी फुल LED लाइट अवेलेबल होगी। साइड इंडिकेटर्स को देखोगे तो वो भी आपको यहाँ पे राउंड शेप के LED मिलने वाले हैं, और जो क्वालिटी है ना वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। बाकी कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से अवेलेबल होंगे 43mm डायर के। बाकी फ्रंट फेंडर जो है वो आपको क्लासिक जैसा ही मिलेगा, बट क्लासिक के कंपेयर में ना ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे ना तो थोड़ी सी प्लास्टिक पार्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिससे थोड़ा सा जो लोअर पार्ट है ना वो इंक्रीज़ यहाँ पे हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी आपको चेंजेस मिलने वाली हैं क्लासिक 350 के कंपेयर में। रिफ्लेक्टर्स आपको मिलने वाले हैं, बाकी फ्रंट साइड में आपको मिलेगी 300mm की अच्छी खासी बड़ी जो प्लेट है वो मिलने वाली है। बाई बैरी के कैलिपर्स मिलेंगे, 300mm के आपको फ्रंट साइड में डिस्क मिलेगी, ड्यूल चैनल ABS एज ए स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे अवेलेबल होगा। टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 100x90 का टायर सेक्शन, और फ्रंट साइड में आपको 19 इंचेस के। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे स्पोक्स व्हील्स यूज़ किए गए हैं तो यहाँ पे ट्यूब टायर्स अवेलेबल होंगे, बट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस टायर, तो आपको यहाँ पे ना पंचर का जो झंझट है वो भी नहीं मिलने वाला है। बाकी इस साइड में ना वाइट फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी, जो क्लासिक लुक है ना वो इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रंट साइड में जैसा कि मैंने बताया 300mm की आपको डिस्क साइज मिल जाती है। अब आ जाते हैं साइड की प्रोफाइल पर, तो साइड की प्रोफाइल पर अगर आप टैंक को देखोगे ना तो सेम क्लासिक वाला ही जो टैंक है वो अवेलेबल होने वाला है, बट इस साइड में थोड़ा सा टैंक जो है वो छोटा किया गया है। बाकी कैपेसिटी वाइज आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। 13 लीटर की आपको जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो मिलने वाली है। लोगो देखो आप आरी का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक सा एक डिफरेंट सी यहाँ पे जो थीम है ना वो मिलने वाली है। बैजिंग मिलेगी क्रोम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाली है, ये पूरा क्रोम पार्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी पेंट फिनिशिंग आपको कुछ इस टाइप की मिलने वाली है, ये वाले जो आप पेंट थीम देख रहे हो ना ड्यूल टोन की फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। अब इस कलर में आपको यहाँ पे रेड और इस साइड में ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। बाकी सेंटर में आपको स्टिप्स मिलेंगी व्हाइट कलर की। इंजन की बात कर लेते हैं, तो इंजन को अगर आप देखोगे ना तो 349cc का सेम क्लासिक वाला इंजन अवेलेबल होगा, बट क्लासिक के कंपेयर में ना थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलने वाली है 20.4 PS की पावर। बाकी टॉर्क वाइज आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, 27 Nm का जो टॉर्क है वो अवेलेबल होगा। बाकी क्रैंक केस आपको यहाँ पे ना ग्लॉसी आप ब्लैक पेंट जो है वो उसके साथ अवेलेबल होगा। इस साइड में आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी। बाकी स्लेंडर हेड जो है वो भी आपको यहाँ पे ब्लैक मिलने वाला है। बाकी एग्जॉस्ट को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। बाकी 170mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो अवेलेबल होने वाली है। सीट हाइट यहाँ पे आपको 750mm की मिलेगी, सीट हाइट कम कर दी है, बट आपको ग्राउंड क्लियरेंस वाइज ना कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इस साइड में जो मिड पैनल है वो आपको क्लासिक जैसा ही मिलेगा, बट यहाँ पे आपको जो स्टिकर्स है ना वो आपको गोंड क्लासिक 350 वाले मिलने वाले हैं। बाकी ये पूरा पोर्शन आपको ग्लॉसी पेंट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। सीट को चेकआउट करते हैं, तो सीट जो है वो आपको क्लासिक जैसे ही मिलेगी, बट यहाँ पर आपको ना गोल्ड क्लासिक 350 की जो बैजिंग है वो जस्ट मिलने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि गोल्ड क्लासिक 350 ओनली सिंगल सीट के साथ अवेलेबल होगी, बट ऐसा नहीं है। आ रही ही यहाँ पे ना आपको रियर सीट का भी ऑप्शन दे रही है, यानी कि आप पिलियन सीट की तरफ और सिंगल सीट की तरफ दोनों ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। बाकी रियर फेंडर जो है वो भी आपको अच्छा खासा वाइडर मिलने वाला है, और पूरा मेटल के साथ ही अवेलेबल होगा। अब रियर फेंडर जो है उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट मिलेगा, जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है वो मिलने वाली है। बाकी रियर की जो लाइट है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की मिलेगी, राउंड शेप की, जैसा कि आपको मिट्टी में देखने को मिलती है वैसे ही राउंड शेप की फुल LED लाइट अवेलेबल होगी, और साइड इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे LED मिलने वाले हैं। बाकी रियर में जो नंबर प्लेट का ब्रैकेट है वो जस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा, और छोटा सा आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रियर साइड में अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की, तो रियर साइड में थोड़ा सा
टायर जो है वो वाइडर किया गया है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 130/90 का टायर सेक्शन, बट व्हील साइज जो है वो कम कर दिया है। यहाँ पे आपको 16 इंच का जो व्हील है रियर साइड में वो मिलेगा, बाकी 270 mm की आपको जो डिस्क साइज है वो मिलने वाली है। बाकी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट को, तो एग्जॉस्ट नोट को थोड़ा सा लॉन्ग किया गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मिलेगा। ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। डाया वाइज भी आपको थोड़ा सा ना शॉर्टर मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस बाइक के हैंडल बार की, तो हैंडल बार को अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज हैंडल बार अवेलेबल होगा, जिससे यहाँ पे ना आपको राइडिंग स्टैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलने वाला है। आपको बॉबर टाइप का जो फील है वो डेफिनेटली इस बाइक में आपको मिलने वाला है। बाकी हैंडल बार को करीब 10 mm के करीब हायर किया गया है कंपेयर टू क्लासिक 350। तो की को करते हैं एक बार इंसर्ट और चेकआउट करते हैं कि कैसा मीटर कंसोल का डिज़ाइन आने वाला है। बाकी डिज़ाइन जो है वो आपको सेम क्लासिक 350 जैसा ही मिलेगा। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो वाउ नीडल मिल जाती है, छोटी सी आपको यहाँ पे MID डिस्प्ले मिलेगी। सो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, इस साइड में छोटी सी MID डिस्प्ले जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बाकी यहाँ पे ना आपको ट्रिपल नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड फीचर के साथ अवेलेबल होगा। स्विचेस की बात कर लेते हैं तो राउंड शेप के आपको जो स्विच गियर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, हाई बीम, लो बीम, पास, साइड इंडिकेटर, साउंड। इस साइड में आपको मिलने वाला है इंजन किल स्विच और हज़ार स्विच। बाकी मिरर जो हैं वो भी आपको राउंड शेप के ही अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे ना अच्छा खासा आपको क्रोम पार्ट जो है वो जस्ट मिलने वाला है। गोंड क्लासिक 350 की आपको जस्ट मैंशनिंग मिलेगी। बाकी साइड में आपको पिलियन के लिए जो ग्रैब होल्डर है वो भी जस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी सारी गार्ड का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिलेगा। गोंड क्लासिक 350 की जो मैंशनिंग वो मिलने वाली है। फुट पैक्स को ना काफ़ी ज़्यादा आगे फॉरवर्ड किया गया है, जिससे आपको बॉबर टाइप का पूरा फील यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये था भाई गोंड क्लासिक 350 का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। कैसे लग रही है बाइक डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्राइस आपको कैसा लग रहा है, प्राइस जस्टिफाई करती है नहीं, उसका भी रिप्लाई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।